क्या हुआ भाई, तुम्हारा चेहरा इतना क्यों लटका हुआ? बैठो। सर मार्क्स अच्छा नहीं आया। क्यों आदित्य, तुम्हारा मार्क्स अच्छा आया? कितना मार्क्स आया जी तुम्हारा? सर मेरा मैथ में 97 मार्क्स आया। 97 मार्क्स आया? 97 मार्क्स आया भाई तुम्हारा, इतना में 3 बैक बेंचर्स पास कर जाता। आदित्य का मार्क्स 77 आया, वो पूरा खुश है, और तुम 97 लाके सुसाइड वाला चेहरा लेके घूम रहे हो। तुम फ्रंट बेंचर के साथ ना यही प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम ना बैक बेंचर वालों के साथ नहीं होता। यही मेन डिफरेंस होता है फ्रंट बेंचर और बैक बेंचर्स के बीच। क्या डिफरेंस है सर? अच्छा तो तुमको डिफरेंस जानना है? बहुत डिफरेंस है भाई। पहला डिफरेंस तो यही है कि तुम 97 मार्क्स लाया और सुसाइड वाला चेहरा लेके घूम रहे, और आदित्य 77 मार्क्स लाया है और पूरे मोहल्ले में पार्टी दे रहा। तुम जब घर से निकले होगे ना ऐसा चेहरा लेके, तो तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे कि कहीं ये डिप्रेशन में ना चला जाए, कहीं सुसाइड वुसाइड ना कर। अब तुम यहाँ से भी जाओगे ना तो मेरे को परेशानी होगा कि तुम ठीक से घर जा रहे हो कि नहीं जा रहे। 97 मार्क्स आया तुम्हारा, उसका 77 मार्क्स आया, सोचो कितना डिफरेंस है। लेकिन फिर भी वो इंजॉय कर रहा है और तुम डिप्रेशन में बैठे हुए, ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस, अब एक बात बताओ यार, तुम एग्जाम में गए थे ना, तो क्या क्या लेके गए थे? मतलब एग्जाम देने के लिए क्या क्या लेके गए थे जरा बताओ तो मेरे को। सर 3 पेन लेकर गए थे, 1 पेंसिल, 1 कंपास था, और 1 इरेजर था, और 1 व्हाइटनर था। सोचो तुम 3 पेन, पेंसिल, कंपास, इरेजर, व्हाइटनर सब लेके गए थे। और पता है ये बैक बेंचर्स आदित्य वो क्या लेके गया था? 1 पेन और 1 बम। बम? बम क्यों सर? बम क्यों? वो क्या दिमाग लगाया जरा सोचना, कितना बढ़िया दिमाग लगाया वो। शुरुआत में आधा घंटा 1 घंटा जो जानता था पेपर में अपने से लिखा, उसके बाद देखा कि ये इस प्रॉब्लम में दिक्कत आएगा, वो गया बाथरूम में बम फोड़ के आ गया। तो बम फोड़ने के वक्त क्या हो गया कि जब बम फोड़ा ना तो 3 जो भी टीचर्स थे वो भी सब परेशान हो गए, सब इधर उधर बिजी हो गए। उस आधे घंटे में वो जो क्वेश्चन नहीं आता था अगल बगल से पूछ लिया। सोचो कितना बंदा दिमाग लगाया, ये दिमाग होता है, ये जुगाड़ होता है बैक बेंचर्स का। ये चीज कभी फ्रंट बेंचर नहीं लगा सकता। ये हुआ दूसरा डिफरेंस। अच्छा चलो एक बात बताओ भाई, तुम प्रैक्टिकल किसका लिखते थे? मेरे को पता चला है कि तुम किसी लड़की का प्रैक्टिकल लिखे हो। सच बताओ किसका लिखे हो प्रैक्टिकल? नहीं। अरे बोलो, शर्मा का है? बोलो। सर पायल का। पायल का ना? तुमको पता है पायल ना आदित्य का प्रैक्टिकल लिखी है। सोचो तुम प्रैक्टिकल लिखते थे पायल का, और पायल प्रैक्टिकल लिखती थी आदित्य का। ये हुआ तीसरा डिफरेंस। तुम जिस लड़की का प्रैक्टिकल लिख रहे हो बैक बेंचर्स, उसी से अपना सारा प्रैक्टिकल लिखवा रहा। अब बताओ कौन ज्यादा स्मार्ट है, फ्रंट बेंचर तुम या बैक बेंचर्स आदित्य? अच्छा चल एक बात बता भाई साहब, तुम्हारा जो स्कूल में सबसे बढ़िया दोस्त था जो तुम लोग फ्रंट बेंच पे बैठते थे, उसका नाम क्या था? रजत। रजत याद है ना, तुम ही मेरे को फोन करके बोले थे कि सर रजत से हम एक क्वेश्चन पूछे और वो तुमको गलत बता दिया था। हाँ सर। सोचो तुम्हारा दोस्त फ्रंट बेंचर्स का दोस्त कैसा होता है? वो स्वीट पॉइजन की तरह होता है, जहर की तरह होता है। और आदित्य का जो दोस्त था, जो बैक बेंचर्स का दोस्त था, वो आदित्य को चोरी कराने के लिए ना खुद पकड़ा गया। ये होता है दोस्ती। तो फ्रंट बेंचर का जो दोस्ती भी होता है ना, वो स्वार्थ के लिए होता है, अपना सेल्फ देखता। लेकिन बैक बेंचर्स जो है ना, वो दोस्ती के लिए अपना जान तक दे देता है। तो ये हुआ तीसरा डिफरेंस। बैक बेंचर से हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आता है। बैक बेंचर वालों को ना पढ़ाई का टेंशन रहता है, ना गर्लफ्रेंड का झंझट, केवल उसको दोस्त चाहिए, वो भी कमीने टाइप के दोस्त, जो उनको दारू पिलाए, जो उनको गरियाए बढ़िया से, लेकिन जब दोस्ती की बात आए तो एक दूसरे के लिए जान तक दे। ये होते हैं बैक बेंचर्स, और ये चीज कभी भी फ्रंट बेंचर वाले फील नहीं कर सकते। सर आपको इतना बैक बेंचर्स के बारे में कैसे पता है, और आप इसको सपोर्ट इतने क्यों कर रहे हैं? मेरे को बैक बेंचर्स के बारे में कैसे पता? एक्चुअली हम भी कभी बैक बेंचर्स हुआ करते, इसलिए तुमको एक बहुत अच्छा सीख देते। मेहनत करो फ्रंट बेंचर की तरह, लेकिन लाइफ को अगर जीना है, दोस्ती अगर निभाना है, तो बैक बेंचर्स की तरह। याद रखो लाइफ बैक बेंचर्स जीते,
बैक बेंचर्स मल्टीटास्किंग होते हैं, इसलिए बैक बेंचर से बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता है। चलो टेंशन नहीं लो, तुम्हारा अच्छा मार्क्स आया है, ठीक है, घबराओ नहीं, तो बहुत अच्छा करोगे लाइफ में। 97 मार्क्स भाई कम नहीं होता, और खुश रहना सीखो, समझे, एकदम बहुत बढ़िया लाया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बढ़िया से मेहनत करो, सबको प्राउड फील करो, ठीक है।